सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज इसका आईपीओ लिस्टिंग हुआ तो यहाँ पर आप देखोगे लिस्टिंग गेन जबरदस्त मिलते हुए नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक ने हाई लगाया 786 रुपये का। जी हाँ, 786 का हाई लगाया है। और आप देखोगे जो इसकी लो रेंज में स्टॉक आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो इसके जो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी वो मैंने पहले बताया था कि हमारे कमेंट में बता दिया था कि अगर स्टॉक 30% से प्लस में जाते नजर आए तो प्रॉफिट बुकिंग सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहां पर आप देखोगे स्टॉक ने लगभग आप देखोगे 30 प्लस की रेंज में जाते हुए नजर आए हैं, तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का सबसे बेस्ट मौका था। अगर आपने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग किया तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 30% प्लस इसका जो ना प्रॉफिट बुकिंग का सबसे बेस्ट जोन है, उसके बाद स्टॉक आपको गिरते हुए नजर आएगा। तो यहां पर आप देखोगे जो जीएमपी चल रहा था उससे उसके साथ साथ आप देखोगे स्टॉक वैसा ही हमें उतरते हुए नजर आया, जो जीएमपी था वही। लेकिन जो कल के आपने देखा होगा कल का जो आर्केन वाला जो आईपीओ आया था, लिस्ट हुआ था, उसकी जो लिस्टिंग गेन थी, जो जीएमपी चल रही थी, वो 30% के आसपास थी, लेकिन 10% पर लिस्ट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हमें जो है मूवमेंट दिखाती हुई नजर आया, तो यहाँ से स्टॉक को ऊपर से सेल करना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। और नीचे के प्राइस पर आपको अभी इसके अंदर जो करंट प्राइस पर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के अंदर चलने के बारे में सोच रहे हैं, अभी आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि ओवर वैल्यू स्टॉक हो चुका है अभी। हाँ, ओवर वैल्यू स्टॉक हो चुका है, तो ऐसे में स्टॉक के अंदर बने रहना थोड़ा रिस्की रहेगा। आप लोग वेट करके स्टॉक के अंदर बने रहिए। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर से स्टॉक के अंदर करेक्शन हो रहा है क्योंकि ऊपर से माल निकाला जा रहा है, तो अच्छी लिस्टिंग हमें जो ना स्टॉक के देखने को मिली है। यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो आप देखोगे जबरदस्त वॉल्यूम लगते नजर आई है, लगभग आप देखोगे 60,92,000 की अच्छी वॉल्यूम लगी है। तो यहां से प्रॉफिट बुक करना सबसे बेस्ट है ऊपर के लेवल से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो स्टॉक से एक बार दूर रहना, क्योंकि भाई देखो ओवर वैल्यू स्टॉक हो चुका है। जिस प्राइस रेंज में ये ओपनिंग हुआ आप देखोगे काफी ज्यादा हाई रेंज में ऊपर होते हुए नजर आए, ठीक है, ओवर वैल्यू हो जाए तो इसके लिए आपको करंट प्राइस पर इसके अंदर एंट्री लेना थोड़ा खतरा रहेगा। तो चलो देखते हैं आखिरकार क्या होते हैं आगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।